बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा से वॉकआउट करते हुए धमकी दी है कि अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया तो वो इस्तीफा दे देंगी। मायावती राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार का मुद्दा उठाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें उनके मन के मुताबिक बोलने से रोक दिया गया। यूपी के सहारनपुर में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए मायावती ने कहा कि अगर मुझे अभी बोलने का मौका नहीं दिया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। मायावती के सदन से निकलने के बाद विपक्षी पार्टियों ने नारे लगाए और सदन की कार्यवाही को बाधित किया। संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मायावती के इस व्यवहार से काफी खफा दिखे। नकवी ने कहा कि माफी मांगता हूं कि उन्होंने सदन का अपमान किया और चेयर को चुनौती दी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि मायावती ने जो मुद्दा उठाया है वो वैध और गंभीर है। ये सरकार दलित अत्याचार के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है। दलित और अल्पसंख्यक गंभीर खतरे में है। दलित उत्पीड़न कांड की तरफ दिलाना चाहती हूँ, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में फिर इन्होंने एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके इसे जातीय हिंसा का रंग दिया है, रूप दिया है। जबकि मान्यवर इस कांड की सच्चाई ये है कि इस वर्ष 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और जयंती के मौके पर गांव सब्बीरपुर के जो दलित वर्ग के लोग थे उन्होंने जुलूस निकालने का फैसला लिया और वहां पर एक संत रविदास मंदिर है तो मंदिर के चबूतरे में इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया था। लेकिन वहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी, लेकिन वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहाँ के बयान मेरी पूरी बात तो रखने पूरी बात अभी तो इम्पोर्टेंट मामला है, मेरी बात थोड़ी और बात है। अभी तो 5 मिनट हो गया भाई, सारे बोला 3 मिनट, 3 मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं। अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो। अच्छा नहीं, माननीय उपसभापति जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। यस, तो मैं कहना चाहती हूँ इन 267 अगले यू कैन ओनली आस्क फॉर अ डिस्कशन दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड। So it is over. You cannot make a speech here. No. बुला ना भी आसा। ये ऐसे कैसे हो जाएगा ये? हाँ? होकर नहीं आएगा। मुझे बोलने नहीं दोगे? होकर नहीं आएगा। आपके राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names. मुझे बोलने नहीं दोगे? तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। हाँ? Look here. यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आपसे इस्तीफा देती हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक रूप से परास्त किया है, उसको भी और उसकी हताशा और निराशा दी और इसके साथ शेयर को धमकी देना, शेयर को धमकी देना, सर शेयर को धमकी देना बिल्कुल कतई हमारे फ्लैटेड है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शेयर को धमकी देने का मतलब यह हुआ कि शेयर का अपमान है और सर स्पष्ट की जाए और माफी मांगे, ये तरीका ठीक नहीं है। माफी मांगे, माफी मांगे।
ओके श्री गुलाम नबी आजाद।